like a Hellcat. What's up and welcome back to my channel. It's been a long time since I uploaded any video cause you know वो आत्मा जिससे हम सब परेशान हैं वो सर पर बैठी हुई थी. Yeah, you got it right, it is exams. तो अब बहुत बात हो गई, so बिना समय गवाए let's get started. So the first thing we are going to make is a fun thing and it is a TNT trampoline. उसके लिए सबसे पहले एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे बस क्रिएटिव मोड में ही यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली लूज योर हेल्थ विद TNT. TNT इज़ इन्वॉल्व्ड इन इट. सो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्सीडियन का एक रूम बनाना है, फोर वॉल्स, द बॉटम शुड बी कवर्ड. बस आपको सीलिंग कवर नहीं करनी है. जब आपका ये काम हो जाए उसके बाद आपको उस रूम के अंदर आना है, TNTs को प्लेस करना है. लाइक आप फोर कर सकते हो और जितना भी आपका मन चाहे. बस एक बात ध्यान रखना कि पूरा रूम कवर ना हो क्योंकि दैट कैन बी लाइक वेरी वियर टाइप और इट माइट नॉट वर्क. I have not tried it, so आप करके देख लीजिए अगर पूरा रूम भी हो. फिर आपको TNTs प्लेस करने हैं, उनके ऊपर रेडस्टोन डस्ट लगानी है और फिर एक लीवर लेना है, उसको वॉल पे या फिर जो आपका सरफेस है उसके ऊपर कहीं पर भी प्लेस कर देना है. लाइक आई प्लेस्ड इट ऑन द वॉल. नाउ आपको TNTs के ऊपर खड़ा होना है और लीवर को ऑन कर देना है एंड देन कबूम. यू कैन सी इट वर्क्स रियली वेल और इसको करने में भी बहुत मज़ा आता है. लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अगेन यू कैन यूज इट ओनली इन क्रिएटिव मोड. जितने ज़्यादा आप TNT लगाओगे उतना ज़्यादा आप हाई जाओगे. अगर आप दो लेवल लगाते हो TNT के सो आप और भी ऊपर जा सकते हो लाइक दिस. एंड ओके, ऑनेस्टली जब हमने एक लेवल लगाया था तब ज़्यादा हार गया. लेकिन ये बात है कि मैंने अभी 4 TNTs लगाए, तब ज़्यादा TNTs लगाए थे, सो दैट कैन बी द रीज़न. सो अब ये थी हमारी फर्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बिल. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शनल एंड व्हाट वाज इट, आई फॉरगॉट इट नेम बिट. या सी, इट इज अ लावा आइटम डिस्पॉनर और जो भी आप कहना चाहो. अब उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक आई एम इन क्रिएटिव मोड सो मैं तो हाथ से ही कर लूँगी. आप सर्वाइवल में हो सो आपको शॉवल और पिकैक्स भी चाहिए होगी. आई नो माइनक्राफ्ट में ये रूल है कि आप सीधा ऐसे डिग नहीं कर सकते, क्या पता कब नीचे लावा आ जाए. सो उसके लिए आपको थोड़ा सा बीवेयर रहना होगा, बीवेयर ऑफ लावा. हा 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 ओके. आपको अप्रॉक्स 20 ब्लॉक्स नीचे डिग करना है. दिस इज इट. यहाँ मैं ग्रेवल में आ गई, शिट होली ना ग्रेवल दिक्कत कोई. अब आपको यहाँ पे ऐसे 5 ब्लॉक्स आगे डिग करना है और ये जो 5 ब्लॉक्स आगे आप डिग करो ये 3 ब्लॉक्स आए होना चाहिए, लाइक 1, 2 एंड 3. एंड दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. अब उसके बाद आपको स्टोन लेना है. मैं कोई सा भी ले रही हूँ, आप कुछ भी लगा दो, इट डजेंट मैटर कि आप स्टोन लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो. आपको 2 ब्लॉक्स छोड़ने हैं या 1, तभी आपको छोड़ना हो फॉर आपको ये रहे कि हाँ लावा में ही गिर रहा है सामान. 2 ब्लॉक्स छोड़ने हैं
और फिर अपनी लावा बकेट लेनी है और लावा को इस होल टाइप के अंदर डाल देना है। अब इसका काम यह है कि जो आइटम्स आपको नहीं चाहिए, लाइक अब मेरे को स्टोन ब्रिक्स नहीं चाहिए, सो मैं इनको इस लावा के अंदर ड्रॉप कर दूंगी। ये क्या होता है कि कभी कभी जब आपको सामान की ज़रूरत नहीं होती, वो आपकी इन्वेंट्री में पड़ा रहता है, आपके चेस्ट में पड़ा रहता है, और फिर उससे आपको बहुत बार दिक्कत भी हो जाती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्कैफोल्डिंग लेके टॉप तक इसको पहुंचा देना है, टॉप सरफेस तक। मैं नीचे से डायरेक्टली सेल नहीं कर रही क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ये ज़्यादा ऊपर पहुंच जाए। एंड जब ये आपका यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद अगर आप स्नो बायोम में हो, इसको कवर करने के लिए आप टॉप स्नो को यूज़ कर सकते हो। लाइक इसके आसपास की थोड़ी सी स्नो हटा दी और 4 ब्लॉक्स या इतने ब्लॉक्स रख दिए, और फिर उसके बाद जब आपको नीचे जाना हो, यू जस्ट कैन गो लाइक दिस। बट अगर आप स्नो बायोम में नहीं हो तो टॉप स्नो को किसी जगह दे रखना इज़ ऑब्वियसली वेरी लाइक ये कहाँ से आ गया, तो आप कार्पेट्स को यूज़ कर सकते हो। ये देखना एंडा बैन घूम रहा है, हट पागल, स्केलेटन वेरी लाइक ये कहाँ से आ गया, तो आप कार्पेट्स को यूज़ कर सकते हो। ये देखना एंडा बैन घूम रहा है, हट पागल, स्केलेटन को बहुत टाइम हो गया हमारे इंचैनमेंट्स लगा के रखने चाहिए क्रिएटिव में भी। हाँ सो व्यवसाय, हाँ आप कापेस लगा के रख सकते हो लाइक सो, एंड इट कैन बी कम्प्लीटली हिडन। और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि इसके अराउंड एक रूम बना दिया और उस रूम के आगे एक साइन लगा दिया सेइंग लाइक डिस्पॉनर, और फिर जब भी आपको डिस्पॉन करना, जैसे मेरे को ये बोन अगर नहीं चाहिए, आप स्कैफोल्डिंग के थ्रू नीचे आ रहा, ये बटन वर्क ही नहीं कर रहा, व्हाट द हेल, ये रहा। हाँ सो हाँ क्या हो रहा है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, कुछ ग्लिच हो रहा है क्या ये? ओके ओके ना ओके कम ऑन, ओके आई एम लिविंग इट लाइक दिस। जब भी जैसे मुझे अब ये बोन नहीं चाहिए, आई विल गो डाउन, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि व्हाट द हेल जस्ट आई डिड, ओके आपको ध्यान रखना होगा कि आप गलती से भी किसी स्कैफोल्डिंग को तोड़ना दो और लावा में ना गिर जाओ। आप जाओगे व्हाट द हेल एम आई डूइंग, ओके इसका बेस्ट पार्ट ये है कि लावा यहाँ पे रहेगा, सो ये डार्क नहीं होगा, इट कैन प्रोवाइड यू लाइट, एंड जो बहुत सारे मॉब्स हैं वो यहाँ पे स्पॉन नहीं हो पाएंगे। आप सर्वाइवल में हो और मेरे ख्याल से आपको नहीं चाहिए होगा कि आप आओ और आपको परेशान करने के लिए मॉब्स पहले से यहाँ पे हो। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो, एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं क्यू एंड ए करूँ। आई नो इट इज़ लाइक वेरी अर्ली टू फॉर डूइंग अ क्यू एंड ए, आप अपने आइडियाज़ बताओ कि मुझे क्यू एंड ए करना चाहिए या नहीं। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, और सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना ताकि आपको आने वाली और ऐसी बेहतरीन वीडियो के बारे में पता चले। और कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, इंडिया में सेकेंड स्टेज पे आ गया है, सो अपना ध्यान रखो, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करो, घर से ज़्यादा बाहर मत निकलो तो ज़्यादा बेटर है, जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम ना हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। दीदी सैनिटाइजर्स मंगवा लिए।